A warm welcome to all the students of Daud Boy Fazal Boy Primary School. We watch Standard 2nd subject Hindi. Topic name is Teen Machliyon Ki Kahani. Ek samay ki baat hai. एक घने जंगल के अंदर बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां रहती थीं, जिनमें से तीन मछलियां एक दूसरे की पक्की दोस्त थीं। इन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। इनमें से दो बहुत समझदार थी। पहली संकट आने के पहले ही अपना बचाव कर लेती थी। दूसरी संकट आने पर अपनी सुरक्षा कर लेती थी। तीसरी कहती कि अगर भाग्य में संकट होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, और भाग्य में नहीं होगा तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। एक दिन रास्ते से गुजर रहे एक मछुआरे ने उस तालाब को देख लिया। उसने देखा कि तालाब मछलियों से भरा पड़ा है। उसने तुरंत अपने बाकी साथियों को इस बारे में बताया। मछुआरे और उसके साथियों ने अगली सुबह आने और उन मछलियों को पकड़ने का फैसला किया। लेकिन मछली ने मछुआरों और उसके साथियों के बीच की बातचीत सुन ली थी। उसने तुरंत तालाब में रहने वाली सभी मछलियों को इकट्ठा किया और सारी बात बता दी। पहली मछली बोली कि हो सकता है कि कल मछुआरे आकर हमें जाल में पकड़ कर ले जाएं। उससे पहले ही हमें यह स्थान छोड़ देना चाहिए। तभी तीसरे नंबर की मछली बोली कि अगर वो कल नहीं आए तो यह हमारा घर है, हम कैसे इसे छोड़कर जा सकते हैं। अगर भाग्य में लिखा होगा तो हम कहीं भी हो मारे जाएंगे, और नहीं लिखा होगा तो हमें कुछ नहीं होगा। कुछ मछलियों ने तीसरे नंबर की मछली की बात मान ली और वहीं रुक गई। अन्य दो मछलियां तीसरी मछली को समझाने में असमर्थ थी, इसलिए उन्होंने बाकी मछलियों के साथ तालाब छोड़ दिया। अगले दिन मछुआरे और उनके साथियों ने अपना जाल डाला। जो मछलियां रह गई थीं, वे सभी पकड़ी गईं। जो मछलियां भाग गई थीं, उन सभी की जान बच गई, और जो तालाब में रुक गई थी वे सभी मछुआरों के द्वारा पकड़ ली गई। मछुआरे ने उन्हें एक टोकरे में डाल दिया, जहां सभी तड़प तड़प के मर गईं। कहानी से सीख: हमें कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। संकट आने के पहले ही उसे दूर करने का उपाय सोचकर रखना चाहिए। बच्चों, अब आपको ये तीन मछलियों की कहानी, इसके पिक्चर स्टिक करने हैं हिंदी की नोटबुक में, और ये पूरी कहानी आपको आपके नोटबुक में लिखनी है, हिंदी की नोटबुक में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बच्चा।